तो जैसे जैसे चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वैसे वैसे तमाम जो पार्टियां हैं वो सामने आ रही है और अब की बार सिंबल पर चेयरपर्सन का चुनाव होने जा रहा है। इस समय हम पहुंच चुके हैं कैथल के वार्ड नंबर 7 में, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो पंकज मित्तल वार्ड नंबर 7 से भाजपा के समर्थित प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और उन्होंने आज अपना जो चुनावी कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन जो रिबन कटाई की रस्म होती है वो सुरेश गर्गनोच के द्वारा की गई और तमाम भाजपा के कैथल के जिला स्तरीय नेता थे जो उनके द्वारा किया गया। और आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया और किस विषय पर? मैं पंकज मित्तल वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारा जन्म जात ही भाजपा से है, लेकिन समर्थित इसीलिए है क्योंकि इस बार हम भाजपा जो है ये वार्ड के चुनाव जो वैमसी के वो हम सिंबल पे नहीं लड़ रहे और बड़े चाम चुनाव हम सिंबल पे लड़ रहे हैं। और आज का प्रोग्राम ये है कि मेरे सुरेश गर्गनोज जी और हम बस कुछ ही समय बाद इकट्ठे ही फॉर्म भरेंगे। सुरेश जी की टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है और पूरा वार्ड का साथ, छत्ती बिरादरी का साथ मेरे साथ है। और मैं, अगर मुझे ये मौका मिलने के बाद, मैं बीजेपी के अपना संगठन के साथ और बीजेपी सरकार के साथ और बीजेपी के पूरे हमारे चेयरमैन के साथ मिलकर इस अपने वार्ड में जो भी कमियां हैं वो दूर करूंगा। वार्ड के किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? मेरा वार्ड पूरे शहर में एक पोश एरिया के रूप में गिना जाता है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं दूर करने के लिए मुद्दे पे लड़ रहा हूं। प्राथमिकता जिसको रहेगी, प्राथमिकता तो ये है जब से बीजेपी सरकार आई है कि कुछ मतलब इतने विकास हो रहे हैं कि कुछ कमी है नहीं है हमारे में, लेकिन जो भी होगी हम करेंगे पूरा। जनता का किस प्रकार या आपके वार्ड जनता का आशीर्वाद सबसे पहले नहीं, सबसे पहले मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे पे है। जिस पे माँ का आशीर्वाद है उस पे सबका आशीर्वाद है। जब भी नरेंद्र मोदी जी अपने घर से निकले हैं, जब भी उन्होंने कोई भी राह निकाल लिया है, सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लिया है, फिर पूरे देश में घूमे हैं। जिसने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया उनके पूरे वर्ल्ड में और उनके देश में जय जयकार है, और मैं मानता हूँ कि मेरी पूरे वर्ल्ड में जय जयकार होगी और भाजपा की भी जय जयकार होगी। तो दर्शकों और आपके वार्डवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के? उनसे मैं यही संदेश दूंगा कि मैं अगर ये इस काम में मतलब अपना वार्डवासी उनसे सफल होता हूं तो मैं पूरी सेवा करूंगा और उनका मान सम्मान नहीं कहीं भी मतलब झुकने दूंगा और अपना पूरे काम कराऊंगा। जो भी होंगे मेरे साथ, अरुण जी, सुरेश जी और अपना मित्तल जी, भारद्वाज जी, कृष्ण जी, सभी मेरे साथ हैं, कालड़ा जी, भारती जी, अशोक भारती जी, पूरा उनका आशीर्वाद है, पूरे हर समाज का मेरे साथ आशीर्वाद है, क्योंकि मैं 14 साल से यहाँ पे रहता हूँ अपने सेक्टर में और मैं 14 साल से ही बिना MC बने भी मैं जुड़ा रहता हूँ लोगों से। उद्घाटन कार्यालय के उद्घाटन के लिए आज हवन हुआ है और बकायदा एक अच्छे खुशनुमा माहौल में सारा ये वातावरण पंकज मित्तल जी के हक में है और बड़ी भारी मतों से पंकज मित्तल जी जीतेंगे वैसे तो सारे शहर में। और बहुत जल्दी घंटे दो घंटे तक सारा कैथल भाजपा में 36 बरादरी का चुनाव होगा, 36 बरादरी समर्थन देगी बीजेपी को और बहुत भारी मतों से विजयी होंगे सुरेश गर्गनोक जी, जिस भी वार्ड से जो भी बीजेपी का खड़ा होगा सबकी विजय प्राप्त। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो कैथल के विकास का ग्राफ कहां से कहां जाने वाला है? कैथल का विकास, भाजपा सिर्फ चुनाव जो लड़ रही है विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। पिछले उसमें हमने देखा जंगा जंगा शहर में गंदगी के ढेर लगे रहते थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो सारी बनने के बाद सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी, कहीं गंदगी नज़र नहीं आएगी, कई जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था, पानी की, शिवर की जो व्यवस्थाएँ हैं सब चुस्त दुरुस्त होंगी और नगर पालिका का जितना भी पैसा आता है नगर पालिका के थ्रू आता है और एक विधायक के जैसी पावर होती है नगर परिषद को, और वो नगर परिषद की पावर है कि हम दिन रात कैथल की प्रगति के लिए काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज कैसे किस कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं? आज वार्ड नंबर 7 के भाजपा समर्थित प्रत्याशी भाई पंकज मित्तल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अवसर पर हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज, अब जैसे आप लोगों को पता है, आने वाले 19 जून को नगर निकायों के लिए वोट पड़ने हैं। इस बार दो वोट पड़ेंगे, एक चेयरमैन के लिए और एक MC के लिए वोट पड़ेगा। तो वार्ड नंबर 7 से भाजपा ने पंकज मित्तल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सिंबल पर चेयरमैन का चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा ने तय किया है कि पार्षदों का चुनाव बगैर सिंबल से लड़ा जाएगा क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव है। मुझे पता है कि चुनाव का माहौल है, वार्ड नंबर 7 से भाजपा समर्थित उम्मीदवार
पंकज मित्तल के समर्थन में यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और विकास की रफ्तार और तेज बढ़ सकती है अगर जमीन रूप पर वार्ड में भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होता है। आप लोग देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जोश है, वार्ड में छोटा इलेक्शन होता है, रिश्तेदारियाँ बहुत मिली होती हैं आपस में, उनको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मन के अंदर ये रूप धार के चलता है, चाहे मैं कहीं भी बैठूं, भाईचारा बना के रखूं। आज संजय गोयल, आज हमारे हुड्डा ऑफिस में यहाँ पंकज मित्तल जी का ऑफिस खोला गया है और उद्घाटन सुरेश नौस जी, अरुण सराफ जी, नरेश मित्तल जी, कालड़ा साहब, सभी छत्री बरादरियों का यहाँ समर्थन मिला है और भगवान ने चाहा तो पंकज मित्तल जी की विजय होगी और इस विजय से पूरे वार्ड का लाभ होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक है और मैं कहूँगा बीजेपी का ही चेयरमैन होगा, बीजेपी का ही MC होगा। हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है, कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834800800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से।